भारत में फसलों को आग लगाने के बाद लाहौर समेत दीगर शहरों में स्मॉग में बेतहाशा इजाफा हो गया। नासा की तरफ से 28 और 29 अक्टूबर की सैटेलाइट पर जारी तस्वीर ने भारतीय इकदाम का भांडा फोड़ दिया। नासा तस्वीर के मुताबिक सिर्फ एक दिन में भारतीय पंजाब में खेतों में लगने वाली आग में 740% इजाफा हुआ। इसी बारे में मजीद बात कर लेते हैं, ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास हमारे साथ हैं। जी मोहम्मद इलियास, बताएगा इस सिलसिले में क्या सामने आया है? हाँ जी, नासा की जानिब से जो इन्होंने इंफॉर्मेशन जो सैटेलाइट ने इमेजेस दी हैं उसमें आप देखें कि 28 और 29 तारीख एक दिन में जो स्मोग है उसकी शरह में इस कदर इजाफा हुआ कि भारत ने 760% जो उसमें उधर स्मोग की शरह में इजाफा हुआ, क्योंकि उन्होंने अपनी भारत में फसलें जो जलाई हैं किसानों ने तो उसका सारा हवा का रुख इधर लाहौर की तरफ आया। तो इन दिनों लाहौर में जो है इधर हवाएं नहीं चल रही, जिसकी वजह से जनूबी पंजाब से आने भारतीय पंजाब की जानिब से आने वाली जो खेतों की बकाया जात थी उसकी आग की वजह से धुआं इस कदर है कि लाहौर की फिजा में इस वक्त बड़ी बुरी हालत है और जम चुका है और लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन चुका है। इस बारे में पंजाब हुकूमत की जानिब से पहले भी वफाकी हुकूमत से कहा गया हुआ है कि वो वजारत खारजा से अपने डिप्लोमेटिक जो है अपने उनको जराए को इस्तेमाल करते हुए उनसे कहें कि इस तरह के फसलों को आग ना लगाएं, क्योंकि उनके आग लगाने की वजह से लाहौर और उसके गिर्द नवा के इलाकों में वो है बहुत ज्यादा धुआं हो जाता है और जिसकी वजह से स्मोक से लोगों का सांस लेना मुश्किल हुआ हुआ है। लाहौर में एक दिन में देखें कि भारत की जानिब से 760% जो धुआं जो आग लगाया गया उसमें 708% नासा के जो सेटेलाइट है उसमें इमेजेस दिखाई गई कि हर तरफ धुआं ही धुआं और आग लगी हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से पंजाब में जो है फसलों को बकाया जात को आग लगाने की वजह से बहुत ज्यादा लाहौर में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। लाहौर में इस वक्त धुआं इस कदर सुबह से रात से लेकर अभी तक सुबह तक इतना शदीद है कि लोगों का सांस लेना मुश्किल है और खेतों में लगने वाली आग है उसका जो धुआं है वो जो इस तरफ लाहौर की तरफ आके रुक गया है उसकी वजह से बड़ा नुकसान आ रहा है, क्योंकि लाहौर में तो दवा 144 लगाई हुई है कि किसान इधर खेतों के बकाया जात को जो फसलों के बकाया जात को आग ना लगाएं। इसके अलावा जो है भट्टा है उनको भट्टों को बंद कर दिया है, फैक्ट्रियों को बंद कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी स्मोक पर काबू नहीं पाया जा सका। इस वजह से जो नासा की जो तस्वीर है जिसमें 28 अक्टूबर से 29 अक्टूबर में एक दिन में जो इतना इजाफा हुआ है इसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। लाहौर और उसके गिर्द नवा के इलाके के जो शहर हैं उधर स्मोक इस वक्त बादल छाए हुए हैं कि सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचना मुश्किल हुई है, जबकि शहरियों का सांस लेना इधर दुश्वार हो गया हुआ है। तो इसके जो इंतहाई मिजर असरात मुरतब हो रहे हैं लोगों शहरियों पर, तो इस बारे में वजारत खारजा अब इस बारे में खत लिखती है भारत को, इसमें वो मुतालबा करते हैं कि उनके बकाया जात जो फसलों के हैं वो ना जलाएं किसान, ताकि पंजाब जो है इंडियन पंजाब और लाहौर पंजाब जो है पंजाब के इलाके उनको बचाया जा सके। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में मजीद इसकी शिद्दत अख्तियार कर जाएगी। इस बारे में पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से आला सतह पर ये मामला को उठाया गया है ताकि इसको वफाकी हुकूमत इस मसले को सही तरह उठाए, वरना पंजाब में जो है। आप इस बारे में अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।